मुरादाबाद रोडवेज बस स्टैंड के सामने अस्थायी दुकानों के ध्वस्तीकरण के विरोध में दुकानदार एसोसिएशन ने एक बैठक आयोजित कर मुरादाबाद सांसद के माध्यम से एक ज्ञापन DRM को सौंपा। दिल्ली रामपुर हाईवे 24 के चौड़ीकरण के लिए मुरादाबाद प्रशासन और नगर निगम ने रोडवेज बस स्टैंड के सामने रेलवे की जमीन पर बनी सैकड़ों दुकानदारों को नोटिस तामील कराया है, जिसमें लिखा गया है कि वो लोग स्वेच्छा से रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटा लें, नहीं तो सभी दुकानों को एक मुहिम के तहत हटा दिया जाएगा। इन नोटिस के मिलने से घबराए दुकानदारों ने अपनी एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मीटिंग बुलाकर अपनी समस्या सबके सामने रखी। इस बैठक में मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST हसन को बुलाकर उनके सामने भी सैकड़ों दुकानदारों ने अपनी समस्या रखी। इस मामले पर सपा सांसद ने दुकानदारों की मांग DRM के सामने रखने की बात कही है। देखिए, ये 165 हम अलॉटी हैं रेलवे से, जो पूर्वोत्तर रेलवे ने 1974 से अलॉटमेंट शुरू किए थे और 1984-85 तक की है। ये पॉलिसी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई थी कि जो लोग बेरोजगार हैं हिंदुस्तान के, माननीय फखरुद्दीन अली अहमद हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था संसद में कि भाई जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रेलवे की या और दूसरे विभागों की खाली पड़ी भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये जमीन मुहैया कराई जाए ताकि वो रोजगार कर सके। उसी पॉलिसी के तहत रेलवे बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ और ये अलॉटमेंट खोले गए। और हमारे जो पुराने बुजुर्ग हमारे पिताजी थे, हमारे जो और उनके फादर के हमारे साथी थे, उन सब लोगों को इस मार्केट में अलॉटमेंट दिए गए। अब 1998 में आकर के NER ने, पूर्वोत्तर रेलवे ने ये दुकानें, ये जगह नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद DRM को ट्रांसफर कर दी। किसान अब इनका सन 2002 में जब सन 2000 में दे दी, प्रक्रिया 98 से शुरू कर दी, 2000 में विधिवत ट्रांसफर पूरी तरीके से संपन्न हो गया। उसके बाद इन्होंने किराया लेना यहाँ वालों ने मना कर दिया और उन्होंने 1998 से ही इस प्रक्रिया के शुरू होते लेना किराया जमा करना बंद कर दिया था। लेकिन इसी बीच कुछ रसीदें बरेली अजीत नगर कार्यालय DRM ऑफिस पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा हमारे व्यापारी साथियों की काटी गई, उनके किराए जमा किए गए और अलर्ट भी करी गई। इसके बाद कुछ दुकानें 2002 में यहाँ के DN के आदेश के द्वारा किसी मार्केट में उन्हें बनाया गया, उनके प्रमाण और उनके सब हमारे पास कागजात हैं। तो जब DN के आदेश के द्वारा, रेलवे के अधिकारियों के आदेशों के द्वारा 2002 में भी दुकानें बनी, फिर 2005 में रसीद काटी गई यहीं के अधिकारियों द्वारा। रेलवे की तरफ से आपको कोई नोटिस जारी हुआ है? रेलवे की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और उसी नोटिस का हमने जवाब भी दिया है कि जब हम यहाँ पर इतने समय से बैठे, रेलवे ने कहा है सीधे सीधे कि एकदम बेदखली का नोटिस दिया और आप यहाँ से हट जाइए, 15 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। इस विषय में हमारा कहना यह है कि पूर्व में भी एक बार 1987 में हमारी कमेटी के, हमारे पुराने कार्यवाहों के द्वारा रेलवे के खिलाफ मुकदमा दिया गया था। उस रेलवे के मुकदमे के अगेंस्ट हम लोगों के पास 1991 में जजमेंट आ गया था, 91 के जजमेंट के हिसाब से कोर्ट ने ये कहा है कि संपूर्ण पूरी वैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें हटाया जाए, अन्यथा हमें किसी तरीके से हमारे साथ छेड़छाड़ और न की जाए। रेलवे को अगर इस भूमि की आवश्यकता है तब हमें वो हटाए, लेकिन वैधानिक प्रक्रिया का अपनाते हुए। सड़क की पट्टी के ऊपर रेलवे की कुछ जमीन थी जिसपे तकरीबन 50-60 साल से दुकानें बनी थी, जो अलॉटी अलॉटमेंट हुए थे। ये लोग 165 दुकानें यहाँ पर चलाते हैं और इतने अरसे से अपने अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को पालन पोषण करते हैं, लेकिन सौंदर्यकरण के नाम के ऊपर इनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। 4 फुट जगह लेने की बात हो रही है, जबकि इनके पास हाईकोर्ट का स्टे भी है, पहले भी ये ले चुके हैं। दूसरी तरफ की जगह बाकी है, वहाँ से भी 4 फुट लिया जा सकता है। तो इस तरह से सौंदर्यकरण इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करके हमें मुनासिब नहीं लगता, नहीं होना चाहिए। पहले इंसान है, बाद में विकास और सौंदर्यकरण है, कोई ना कोई इस समस्या का हल निकलेगा। आपके माध्यम से किसी वाला प्लान से बात की गई? DRM से मेरी बात हुई है और मैं इनका एक प्रतिनिधिमंडल को अपने साथ लेकर अभी जा रहा हूँ, DRM से बात करूँगा। और साथ में मैं रेल मंत्री जी से भी टाइम ले रहा हूँ, इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री जी से भी बात करूँगी ताकि इस समस्या का समाधान हो। बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं, रातों की नींदें आराम है, बच्चों की तरफ देखते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए इन समस्याओं को देखते हुए, इंसानी समस्याओं को देखते हुए हमने ये एक्शन लिया है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि किसी भी हालत में इनकी दुकानों को उजड़ने नहीं दिया जाए।